शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां चिकित्सक की लापरवाही के चलते प्राचार्य की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि सीधी कलेक्टर की मीटिंग में पहुंचे प्राचार्य के गले में पानी पीते समय नकली दांत गले में फंस गया था, जिसके चलते उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने 3 दिन बाद ऑपरेशन करने की बात कही। इसी दौरान परिजनों को राय दी गई कि अगर जल्द ऑपरेशन चाहते हैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर एक खरे के नर्सिंग होम में दिखा दें। तकलीफ को देखते हुए प्राचार्य मोतीलाल बंसल का ऑपरेशन 30,000 रुपए लेकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। इस दौरान ऑक्सीजन खत्म होने के चलते अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया और बताया गया कि हार्ट अटैक हुआ है, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम लोग इसका कार्रवाई चाहते हैं सर, इस डॉक्टर के ऊपर केस दायर किया जाए। एक खरे का, हाँ, FIR चाहते हैं। इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। अरे इसमें गलती पूरी लापरवाही की, पूरी डॉक्टर की है सर। जब उसके पास जब चीज़ जिस चीज़ का वो जुगाड़ है ही नहीं, ऑक्सीजन का ना किसी चीज़ का, तो इतनी बड़ी ऑपरेशन कैसे ले लिया? तो सर, पैसे के लालच से लिया, किस चीज़ के लालच से? हम क्या करते, क्या नहीं करते, हम हो सकता है और कहीं ले जाते। आपने उनको कितने पैसे दिए? हम उनको 30,000 रुपया दिए, दे चुके हैं, हाँ दे चुके हैं। अभी और कुछ पैसों की मांग कर रहे हैं? हाँ, उनको 50,000 की मांग किए थे। शासकीय प्राचार्य की मौत हुई है, किस प्रकार से सर यहाँ पे लाया गया है सर? क्या आज दोपहर में करीब 2:30-3 बजे के आसपास एक मरीज मोतीलाल बंसल के लिए, जो वैली सिंधी के निवासी थे, उनका कहीं प्राइवेट संस्था में कोई इलाज चल रहा था, वहाँ से उनको रेफर किया गया था, तो हमारे यहाँ लाया गया, पर मृत अवस्था में लाया गया था और मृत्यु का कारण सही कारण ज्ञात नहीं है। तो वो शव को शव ग्रह में रखवाया गया है और उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, पुलिस की कार्रवाई जब होगी तो उसके पश्चात निर्णय होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।